सत श्री अकाल जी, अजीत वैब टीवी देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल मनप्रीत सिंह काठपाल। दिल्ली दे विच एक बार ऑक्सीजन का फिर मुद्दा छिड़िया है, पर इस बार ऑक्सीजन की कमी नूं लैके मुद्दा नहीं छिड़िया, बल्कि ऑक्सीजन की लोड़ तो ज़्यादा मंग का मुद्दा छिड़िया है। तो सियासी बयानबाजियां इस मुद्दे पर कीतियां जा रही ने। केंद्र की बीजेपी सरकार के आगू का कहना है कि दिल्ली सरकार ने लोड़ तो चार गुणा ज्यादा ऑक्सीजन की मांग की सी, जिस दे नाल 12 राज प्रभावित हुए हैं। आपने फॉल्स अलार्म, झूठा अलार्म बजाया, पूरे देश में पैनिक फैलाया कि देखो दिल्ली को किस प्रकार से सौतेला व्यवहार दिल्ली के साथ किया जा रहा है, दिल्ली के साथ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और आपने हरियाणा, उत्तर प्रदेश की सरकारों को गाली दी कि हमें हमारे ऑक्सीजन को रोक ले रहे हैं। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल जी रोज टीवी पे आकर गाली देते थे उस समय कि हमारे ऑक्सीजन को ये रोक रहे हैं, मगर आज मालूम पड़ रहा है कि इन्होंने झूठ बोल के ऑक्सीजन लिया और 12 राज्य उससे प्रभावित हुए। एक शब्द का प्रयोग किया है इस कमिटी ने, जिसके रिपोर्ट को मैंने दिखाया है, इस कमिटी ने, वो शब्द है ग्रॉस डिस्क्रिपेंसी। जो अरविंद केजरीवाल जी ने और दिल्ली सरकार ने ये रिपोर्ट दी थी कि हमें इतने ऑक्सीजन की आवश्यकता है, वो चार गुना अधिक था, और ये ग्रॉस डिस्क्रिपेंसी था, ये भारी भूल था, क्योंकि सारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैलकुलेशन करने के बाद जो कैलकुलेशन सामने आया है वो चौंका देने वाला है। और कहा कि हमें 1140 मेट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए, मगर जब बाद में सभी दिल्ली के अस्पतालों से डाटा इकट्ठा किया गया कि दिल्ली के अस्पतालों ने वास्तविक रूप में अपने चरम पर कितना ऑक्सीजन इस्तेमाल किया उस दिन का, तो मालूम पड़ा वो मात्र 209 मेट्रिक टन था। ते उधर आम आदमी पार्टी दे मनीष सिसोदिया दा कहना है कि दिल्ली दे विच अजे ही कोई ऑडिट कमेटी वालों रिपोर्ट तैयार ही नहीं की गई है, जिसका बीजेपी दावा कर रही है। अजे ही कोई भी ऑक्सीजन नूं लैके रिपोर्ट हालांकि अजे तक तैयार नहीं की गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुबह से जिस रिपोर्ट को, जिस तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से अरविंद केजरीवाल जी को गाली दिए जा रहे हैं, वैसी कोई रिपोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। जी हां, एग्जिस्ट ही नहीं करती। हमने इस ऑक्सीजन कमेटी के, इस ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों से बात की, कई सदस्यों से बात की है। सबका यह कहना है कि उन्होंने तो कोई रिपोर्ट साइन ही नहीं की, अभी तक उन्होंने कोई रिपोर्ट अप्रूव ही नहीं की। जब ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने कोई रिपोर्ट साइन ही नहीं करी है, जब ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने कोई रिपोर्ट ऑडिट ही अभी अप्रूव ही नहीं की है, तो फिर ये रिपोर्ट है कहां? मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, जो सुबह से चैनल्स पर बैठ के चिल्ला रहे हैं, उनका गला थक गया होगा, थोड़ा सा पानी पिए आराम से और थोड़ा आराम से ठंडे दिमाग से सोच के देखें कि भाई ये रिपोर्ट कहाँ है जिसके बेस पे हम चिल्लाए जा रहे हैं सुबह से। रिपोर्ट कहाँ है? क्या कोई ऐसी रिपोर्ट है ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की जिसको उसके सदस्यों ने अप्रूव किया है, जिसको उसके सदस्यों ने साइन करके दिया है? मैं चुनौती देके कहता हूं कि रिपोर्ट लाइए, कहां है वो रिपोर्ट जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने अप्रूव किया हो और जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने साइन किया हो। देश दुनिया दी ताजा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तो डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज अजीत न्यूज ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत, ते हां नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं, हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इना ही नहीं, अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो, ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल, तुहाडी अपनी आवाज़, पंजाब दी आवाज़ अजीत।